बिरयानी एक ऐसी डिश है जो बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल है एंड इट्स लाइक अ कंप्लीट मील। टेक्निकली बिरयानी नॉन वेजिटेरियन होती है लेकिन वेजिटेबल बिरयानी भी काफ़ी पॉपुलर है। इस रेसिपी में अगर आप इसको वेजिटेरियन वर्जन में बनाना चाहें तो फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप चिकन की जगह पर अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स जैसे गाजर, गोभी, फ्रेंच बीन्स, पनीर या फिर आलू भी डालकर बना सकते हैं। बाकी सब स्टेप्स सेम रहेंगे, बस आपको चिकन की जगह वेजिटेबल्स डालनी है और आपकी वेजिटेबल बिरयानी तैयार है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं हैदराबादी स्टाइल में चिकन बिरयानी। इसको बनाने के और पकाने के अलग अलग तरीके हैं लेकिन मेरा तरीका बहुत ही सिंपल है जिसे कोई भी इजीली बना सके। बस आपको चिकन और मसालों को मिलाना है, ज़रा सा पकाना है और उसे दम देना है। तो चलिए बनाते हैं हैदराबादी चिकन दम बिरयानी। ये हैं कुछ सिंपल इंग्रेडिएंट्स विच वी वुड रिक्वायर फॉर दिस होल रेसिपी। यहाँ है मेरे पास 3 से 4 प्याज जो मैंने लेंथ वाइज काट लिए हैं और ये है 1/2 kg चिकन। यहाँ है मेरे पास 1 नींबू का रस, थोड़ा सा चॉप किया हुआ लहसुन और अदरक, नमक और काली मिर्च, 1 glass बासमती चावल जो मैंने आधा घंटा पहले धोकर पानी में भिगो दिए थे, और ये हैं कुछ ड्राई मसाले जैसे 2 ड्राई चिलीज, 1 से 2 तेज पत्ता, 2 छोटी इलायची, 4 लौंग और 1 टुकड़ा दालचीनी का। तो चलिए अब फटाफट शुरू करते हैं। गाइस, हैदराबादी बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है ये फ्राइड अनियंस जो इस रेसिपी को स्पेशल और टेस्टी बनाते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने ले लिया है ऑयल जिसमें मैं अनियंस फ्राई करने वाली हूँ। गाइस, ऑयल को आप तेज़ गर्म कर लीजिए और उसमें लगभग 2 बड़े प्याज लेंथ वाइज काट कर डाल दीजिए और अब इसे मीडियम फ्लेम पर लगातार हिलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे अनियंस गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। और अब मैं इसको एक स्ट्रेनर की हेल्प से निकाल रही हूँ ताकि इसका एक्सेस ऑयल निकल जाए। यहाँ हमारे फ्राइड अनियंस तैयार हैं, इनको अब आप एक साइड रख दीजिए। और अब उसी कढ़ाई में मैंने ऑयल को थोड़ा कम कर दिया है और अब उसमें डाल रही हूँ मैं 2 ड्राई चिलीज, 2 तेज पत्ता, यहाँ गया 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 छोटी इलायची और 4 पीस लौंग के डालकर अब आप इनको 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लीजिए। और अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून ऑफ जीरा। जब जीरा चिटकने लगे तो उसमें डाल दीजिए 3 प्याज लंबे लंबे काट कर। इसको हमें लाइट ब्राउन होने तक रोस्ट करना है। गाइस, मैं लहसुन डालना भूल गई जो मुझे प्याज डालने से पहले डालने थे। अब मैं इसी में प्याज थोड़े से साइड करके बीच में चॉप किया हुआ लहसुन डाल रही हूँ जो थोड़ा सा रोस्ट करके फिर प्याज में मिक्स कर दूँगी। तो यहाँ लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो गया, अब मैं इसको प्याज के साथ मिक्स कर रही हूँ। अब आप इनको लाइट ब्राउन होने तक रोस्ट कर लीजिए। यहाँ हमारे प्याज ऑलमोस्ट लाइट ब्राउन हो चुके हैं, अब मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन। चिकन को आप 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लीजिए। यहाँ हमारे चिकन को रोस्ट करते हुए ऑलमोस्ट 10 मिनट हो चुके हैं और अब मैं यहाँ डाल रही हूँ कसूरी मेथी
गाइस, इसको आप थोड़ा सा हथेली पर क्रश करके डालिए, इससे इसकी खुशबू बढ़ जाती है। और अब यहाँ जाएगा ग्रेट किया हुआ अदरक। इन सबको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और अब मैं डाल रही हूँ जूस ऑफ 1 लेमन। मिक्स इट अगेन। नेक्स्ट मैं डाल रही हूँ इसमें कोर्सली ग्राइंड किए हुए 4 टमाटर। इनको भी अब आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। नाउ हेयर गोज इन 1.5 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। गाइज, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए। 1/2 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर, दैट इज काली मिर्च, एंड 1 टीस्पून ऑफ गरम मसाला पाउडर। नाउ अगेन गिव इट अ नाइस मिक्स। यहाँ हमारा चिकन अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑफ दही। गाइस, अगर आप बिरयानी में खट्टापन ज़्यादा लाइक करते हैं तो दही थोड़ी और भी डाल सकते हैं। अब इनको आप अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। अब यहाँ मैं देख रही हूँ कि हमारे मसाले और चिकन अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं और मिक्स भी हो चुके हैं। इनमें से बड़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब मैं यहाँ इस पॉइंट पर डाल रही हूँ पानी। गाइस, हम 1 ग्लास चावल की बिरयानी बना रहे हैं तो पानी हम 2.5 ग्लास डालेंगे। यानी जितने भी आप चावल की बिरयानी बनाएंगे उसमें चावल की क्वांटिटी से डबल प्लस 1/2 ग्लास का अंदाज़ा रख कर पानी डालिए। आपके चावल खिले खिले बनेंगे और जुड़ेंगे नहीं। अब आप पानी को एक उबाल आने दीजिए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 ग्लास चावल जो मैंने आधा घंटा पहले ही पानी में भिगो दिए थे। अब इसको मैं लो फ्लेम पर ढक कर दम पर पकाने वाली हूँ। इसको पकने में लगभग 10 मिनट लगेंगे। गाइस, अगर आप चाहें तो बीच में एक बार खोल कर चेक कर सकते हैं। अगर आपकी बिरयानी का पानी सूख गया है तो आप गैस बंद कर दीजिएगा। यहाँ हमारी बिरयानी को पकते हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि सारा पानी सूख चुका है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा मॉइस्चर चावलों में है। तो इस स्टेज पर इसको ढककर हम गैस को बंद कर देंगे, जिससे कि चावलों में जो थोड़ी सी कसर रह गई है वो इसकी भाप से पक जाएंगे। अब 5 मिनट के लिए इसको ढका रहने दीजिए। 5 मिनट बाद खोलकर आप देखेंगे कि आपकी बिरयानी एकदम बढ़िया और खिली खिली बनकर तैयार है। अब लास्टली इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़े से चॉप किए हुए पुदीना के पत्ते। तो लीजिए, हमारी हैदराबादी चिकन बिरयानी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब लास्टली मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको मैं गार्निश कर रही हूँ फ्राइड अनियंस से, जो हमने सबसे पहले बनाए थे। इससे आपकी बिरयानी में एक बहुत ही मज़ेदार स्वीट एंड सार फ्लेवर आएगा, इसलिए इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। फ्रेंड्स, हैदराबादी चिकन बिरयानी को या वेजिटेबल बिरयानी को आप सर्व कर सकते हैं किसी भी दही के रायते के साथ या फिर धनिया और पुदीना की चटनी के साथ। वैसे मैंने इसको ट्राई किया है पुदीना के रायते के साथ, ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। अगर आप पुदीना के रायते की रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, मैं बहुत जल्दी वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो लीजिए, अब मैं इसको प्लेट आउट कर रही हूँ। आप भी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। ग
गाइस ये सच में बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही लजीज बनी है। आप एक बार बनाएंगे तो बार बार इसी इजी स्टाइल में बिरयानी बनाना चाहेंगे। और साथ ही अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी रेसिपीज़ आप तक लाने की एक्साइटमेंट होती है। तो गाइस आपका प्यार और सपोर्ट मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है। पिंक्स हैप्पी कुकिंग को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।